मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर भारी पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं जलजमाव को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा दिल्ली वाले फिर भुगत रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी के बाद सरकारी दफ्तर खुले, लेकिन सुबह सुबह हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में मिंटो ब्रिज अंडरपास में पानी भर जाने से सड़कों पर लगे पुलिस बैरिकेड्स बहते नजर आए। हालात इतने गंभीर हो गए कि मिंटो ब्रिज से जुड़ी सभी सड़कों को बंद करना पड़ा। दीनदयाल रोड और ITU अंडरपास में भी भारी जलभराव देखा गया। राजधानी दिल्ली में मानसून एक कहर बनकर दिल्ली वालों के लिए बरस रही है, क्योंकि महज 2 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें लबालब पानी से जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूँगी भाई जूम इन करके आपको दिखाए, तो आप देखेंगे पानी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भर चुका था बारिश के बाद। अब फिलहाल 3 घंटे हो चुके हैं बारिश को और धीरे धीरे करके पानी जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। NDMC की टीम यहाँ पर तैनात थी। इसी के दाई ओर मैं आपको दिखाऊँ तो मिंटो रोड का जो है मिंटो ब्रिज, जो अक्सर आप देखते होंगे तस्वीरें बारिश के बाद पूरा डूब जाता है, वहीं आज भी एक ऑटो मिंटो रोड के ब्रिज के नीचे पूरी तरह से डूब चुका था और बैरिकेड्स काफी जो है दिल्ली पुलिस के वो गिरे हुए थे। अब फिलहाल देख सकते हैं आप तस्वीरों में तो मिंटो रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है, क्योंकि पानी यहाँ पर जो है जितना जमा था वो सभी NDMC द्वारा यहाँ पर आके तत्कालीन निकाल दिया गया है। मिंटो रोड के अलावा जखीरा अंडरपास और अन्य निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ ही पलों की बारिश ने दिल्ली की सड़कों को लबालब भर दिया। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली वासियों के लिए आफत की स्थिति पैदा कर दी, जिस पर दिल्ली भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को जल जमाव के मुद्दे पर घेरते हुए कई बातें कही। जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई लगातार दिल्ली में जल भराव की घटनाएं बढ़ गई। मिंटो रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, जहाँ एक ऑटो डूब गया था जिसमें ड्राइवर और सवारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। यही हाल जखीरा और बाकी जगहों का भी है। आखिर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार क्यों दिल्ली वालों की जान की दुश्मन बनी हुई है? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्यों वो समय रहते काम नहीं करते? मेरी अब भी दिल्ली सरकार से एक विनती है, जितना मानसून का सीज़न अभी बचा है कम से कम उसके लिए सचेत जाएं। आपको तुरंत ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पानी का जलभराव होता है और वहाँ पर मैन पावर डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, ताकि वो लोगों को गहरे पानी में जाने से रोके। दिल्ली में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा आज दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। बारिश शुरू होते ही जलजमाव की स्थिति बढ़ गई। मिंटो रोड में एक ऑटो वाले की जान जाते जाते बची, वही हाल जखीरा अंडरपास में भी देखा गया। मेरी दिल्ली सरकार से विनती है कि आपकी लापरवाही की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। 100% सरकार की लापरवाही है। दिल्ली सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है और लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे से जल निकासी का काम पूरा किया गया और सड़कों को वापस यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई, जिससे जल जमाव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगा। सहयोगी पिंटू के साथ विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल TV।